नमस्कार दोस्तों, मैं विनी कुशवाहा विल नॉन चैनल से। दोस्तों, अभी तक एयरब्रश मशीन को चलाने वाले बहुत से लोग हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो खुद परेशान हो जाते हैं और एयरब्रश देने वालों को भी परेशान करते हैं। तो सॉरी फॉर देट, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस एयरब्रश मशीन जो गन है, उस गन के पार्ट्स कुछ लोग साफ करते करते कुछ ऐसी चीजें निकाल देते हैं जो पूरी मशीन ही असेंबल्ड हो जाती है, मतलब खुल जाती है। तो मैं आपको आज मशीन की गन जो होती है एयर गन, उसको मैं असेंबल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए विनोले चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दे। हेलो, ये वीडियो सिर्फ गन को असेंबल करने के लिए बना रखी है। अगर आपसे गलती से गन खुल जाती है ना, तो गन अगर आपसे गलती से खुल जाती है और उसको आप वापस नहीं लगा पाते हो, तो ये उसके लिए बना रखी है। तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि इस गन को कभी भी खोलने की कोशिश ना करें, किसी भी गन को खोलने की कोशिश ना करें। अगर आपसे गन गलती से खुल जाती है तो आप इस वीडियो को देख के पार्ट्स को ध्यान से कैसे कैसे लगाना है, हर तरीके को ध्यान से समझने के बाद ही उस पार्ट्स को लगाएं। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि सैलून में जितने भी आपको एयरब्रश मशीन को सिखाने के लिए आते हैं, वो आपको पूरी नॉलेज नहीं देते। उसमें भी मतलब जितनी आपको नीड होती है उतनी नॉलेज देते हैं। आप ये मत समझे कि सिर्फ वही नॉलेज पर्याप्त है उस चीज़ के लिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपको सीखने की ज़रूरत है ना। एयरब्रश से हर चीज़ आप कर सकते हैं, हर कुछ आप कर सकते हैं। तो एयरब्रश से रिलेटेड कैसी भी समस्या हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम आप ध्यान दे सकते हैं चीज़ पे, ठीक है। तो आइए देखिए असेंबल कैसे करते हैं वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको दो तीन तरीके की गन का बताऊंगा। वैसे सारी गनें एक जैसी होती है, एक समान होती है, पर फिलहाल इस गन को देख लेते हैं, ठीक है। इसका मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये इसका रैपर है, एजिस। इस गन में एक ये आती है, ये तो मेरा नट मैंने अलग से लगा रखा है दोस्तों, ये नहीं आता इसमें लगा हुआ। मैं आपको असेंबल करना बता रहा हूँ। सबसे पहले गन को हम पूरी तरह ओपन कर लेते हैं दोस्त। यहाँ हम गन को रखेंगे, गन के पास को। ये गन है, ओके। नीचे का ये खुल गया हमारे तरफ से, आगे का जो पॉइंट है। एक और पॉइंट है इसके अंदर, इसको ध्यान से खोलना होता है दोस्तों, क्योंकि निप टूट सकती है। यहाँ पे एक नट होता है। आप लोगों के दिमाग में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जो पेपरिंच टाइप की है ना चाबी, कहते हैं इसको, ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है दोस्तों, इसीलिए दी जाती है ताकि यहां से दोस्तों ये खुल गया। इसको मैं थोड़ा सा ढीला कर देता हूं, निकाल ही देता हूं पूरा, ये पॉइंट से निकल गया। अब ये हम इसको आगे से भी निकाल सकते हैं, और पीछे से लॉक करने के लिए होती है, कस जाती है, तो इसलिए नहीं निकली, आगे से निकल गई। डन, पीछे से भी निकल जाती है, आगे से भी निकल जाती है। अब ये अपने पास कप का ढक्कन, ये गन रह गई। इस गन को और खोल लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है इसको मैं पकड़ के खोल रहा हूं। स्प्रिंग है और ये पूरा पार्ट आउट हो गया। डन, ये जो बटन है ये इजीली निकल जाता है। अब ये गन में कुछ नहीं है, ये गन ऐसी बनी रहती है, ओके दोस्तों। अब मेरे साथ क्या हुआ कि कोई कोई होते हैं जो मतलब ज्यादा जल्दी कर देते हैं उसको सफाई करने के लिए, सारी चीज खुल जाती है, गलती से खुल जाती है उनसे, जानबूझ के नहीं खोलते वो लोग। पर खोल तो लेते हैं ना, उसके बाद उसको लगाना कैसे है उनको नहीं पता होता। बहुत बार लगाने की कोशिश करते हैं तो नहीं लगती है। आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी पार्ट्स खोए ना, क्योंकि पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज इसका ध्यान रखना है कि इसकी जो नोक होती है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो नोक को ध्यान रखना है, नोक को सेफली रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको,
तो दोबारा से मैं लगाने की कोशिश कर लेता हूँ। इस बार हम इसको पीछे से लगाएंगे, तो मैं इस पॉइंट को एंटर कर देता हूँ उसमें, जो छोटा है, आगे की साइड पे मैं इसको लगा रहा हूँ। ये मैंने कस दिया इससे, अब इसका काम खत्म। अभी हमें लगाना है इसका, सबसे पहले मैं आगे के सेट कर देता हूँ, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है दोस्तों इसका, ये यहाँ पे एक छेद है, ध्यान से देखिएगा आप, इधर से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस होल के अंदर इसकी पिन को डालना है, ये देखो यहां पे आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे रख देना है नॉर्मली। अब हमें क्या लेना है, ये लेनी है, इसके पीछे स्प्रिंग लगा लेनी है। स्प्रिंग कहां लगाई मैंने, ध्यान से देखिएगा आप, ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। कैसे लगेगा, ऐसे करके ये आ गया ऊपर, यहां देखो आप, इसको ऐसे छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नट था, इस नट को आगे जहां पे चूड़ी है, चूड़ी के हिसाब से हमें ऐसे डालना है अंदर, और इसको एंड पॉइंट तक घुमाते रहना है। अब ये चालू हो गई, अदरवाइज इसके बिना करते तो चालू नहीं होती। पीछे का आप इस पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको पीछे करता हूं तो ये भी हिलता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आपने गनों के अंदर देखा होगा डबल एक्शन और सिंगल एक्शन, अब ये सिंगल एक्शन है, अब ये डबल एक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, डबल एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेस नहीं हो रही, ये ऑलरेडी प्रेस है। प्रेस करने के लिए ये जो पॉइंट है हमें इसको नीचे लगाना पड़ेगा, बट पहले इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे होगी, इसके बीच में एक होल होता है, उस होल में ये जाएगी इस वाले होल से। अब मैं बैक साइड से गुजर रहा हूँ, पिछली बार आगे से निकाला था हमने, नुकली साइड पीछे की साइड से गुजरेंगे और ये पूरी लॉक हो गई। अब ये बटन नहीं निकल सकता है, इसको हम निकाल देंगे तो ये बटन निकल जाएगा इस वाले होल में, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता है। उसको मैं वापस लगा देता हूँ, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से इसको एंटर कर दिया। अब ये सुई जो है आगे आ गई है, डन। अब हम इसको लगा सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो बीच में लगा हुआ है, ये इसके अंदर एंटर करता है और ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तब जाके डबल एक्शन गन कहलाती है। उसको हमने टाइट कर दिया, अभी डबल एक्शन हो गई, वन प्रेस, सिंगल प्रेस, सेकंड प्रेस। अब यहां पर कौन सा नट लगता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाला नट लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको पीछे से लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे तो चूड़ी है नहीं, तो जिस साइड चूड़ी है उस साइड से हमें इसको कसना है। अब ये फिट हो गई, अब ये जब फिट हो जाती है तो ये सेट हो जाएगी इसके अंदर। अब हम इसको पीछे से लगा सकते हैं, अब ये पीछे नहीं हो रहा दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो लॉक वाली गन होती है उनमें यहां पीछे लॉक दिया हुआ होता है। इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे हम तो ये पीछे होने लग जाएगा, राइट। ये लॉक है, जिस हिसाब से अपना मेंटेन करना है, जिस हिसाब से सेट करना है, वो कर सकते हैं। अब हमारे पास दो नट बचे हुए हैं, जो डबल नट का जो बड़ा वाला नट है वो मैं पहले लगाऊंगा। पीछे की साइड से नहीं लगाना है, बड़े साइड से लगाना है, चूड़ी की साइड से। नोक का ध्यान रखना है निडल की, वो टूटे ना। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, बट चूड़ी नहीं होगी तो लगेगा कैसे। तो चूड़ी वाली साइड से आपको
ऐसे लगाना है, तो ये आपकी गन तैयार हो गई वापस। एयरब्रश से रिलेटेड कैसी भी समस्या हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करो, जिसको एयरब्रश की नॉलेज आपने सिखाना है उनको आप दिखा सकते हैं इस वीडियो को। अब आपको यूज कर सकते हैं इसको वन प्रेस एंड डबल एक्शन, ओके। सो ये कप है, सारी गनों के अंदर ऐसी गन खुलती है, तो ये गन हम सेट कर देते हैं और उसको पैक कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।